100x51 फीट ऊंचो पहाड़ बनो है। वो पहाड़ के ऊपर भगवान शंकर की प्रतिमा और वो प्रतिमा के अंदर उनकी जटा में से जल धारा निकल के एक झरने के रूप में पानी नहर के मायने प्रभावित तो होगो जो चारों मेर चालतो रहेगो। शिवनगरी का आसपास बसने हाला जितना भी लोग है उनने एक पर्यावरण युक्त एक स्थान मिले। सगला भाई ने राम राम में थारू देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल की स्पेशल कवरेज में थारू बहुत बहुत स्वागत है। आज जो आप झुंझुनू की जो आपने शिवनगरी में पहुंचे हैं और शिवनगरी के नामों जो है कि देखा बात करें तो लगभग जो दर्शक का आपने समझ में आ जाएगा और अगर नहीं समझ में आओ तो बताओ कि अभी चिड़ावा आप पहुंचे हैं। पंडित गणेश नारायण जी जो हुए हैं आपने, बाकी जो तपो स्थली है काफी चर्चित और प्रचलित जो स्थान है अठी चाल के जो आप बातचीत कर सकें चैनल पर बने रहो। अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है योदाबारी के पास में जो बेल आइकन है जो या घंटी सी है यह भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाले को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और हाँ, जो थारा विचार है वीडियो के बारे में बस जरूर से कमेंट बॉक्स में लिख के बताया करो ताकि और जो सुधार है वो करो जा सके। चिड़ावा जो नगर है की जो बसावट है वो एक बिणजारा के रूप में हुई। बिणजारा उरा आया करता व्यापार के लिए और वह व्यापार करता तो उरे वह आपकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा काम करे लगा। उनके उपरांत के मायने ऐ उरे सबसे पहले जितनी भी शिवालय की स्थापना हुई सबसे ज्यादा शिवालय उरे चिड़ावा नगर के मायने आसपास के एरिया में रिया। उनके रूप में उरे जब ज्यादा शिवालय था और ऐ के लिए तो ऐने धीरे धीरे शिवनगरी छोटी काशी के रूप में लोग प्रचारित करे लगा और लोग बोले लगा। 140 वर्ष पहले और पंडित गणेश नारायण जी आया जो मूल रूप से है बुगालो गांव जो नवलगढ़ के कन्ने है बड़े का रहने वाला था और काफी धार्मिक लोग था। वह जो संत था वह गौरी संत था, देवी का उपासक था। वह जब वैराग्य जीवन ने अपनायो तो बुगालो गांव से सर्वप्रथम वह दशरापुर गांव गया। दशरापुर गांव के मायने तपस्या के उद्देश्य से वह गया लेकिन बैठे उनको मन कौन लाग्यो। फिर वह घूमता घूमता कई नगरों के मायने गया, नवलगढ़ भी गया, मुकनगढ़ भी गया, आसपास और भी गांव में गया। फिर वह चिड़ावा के मायने आया। चिड़ावा में आया तो यो जो स्थान है जै स्थान पापा खड़ा हाँ यो बघीनिया जोड़ के नाम से प्रसिद्ध है जी। और बघीनिया जोड़ के मायने यो करीब 100 बीघा को पक्को 100 बीघा को और पक्को जोड़ थो और ए जोड़ के मायने आसपास का जितना भी पशु चरता और जितना भी तीर्थ स्थल होता लोग श्रावणी कर्म उरे कराया करता जी। जोड़ के मायने पानी रिया करतो उनके मायने श्रावणी कर्म कराया करता। लुगाया कार्तिक सरो नाया करता, कार्तिक को जो मनो चाल रहे है यो ए मनने के मायने लुगाया उरे फेरी दिया करती पूरे गांव की और उरे कार्तिक नाया करती। जल झुलनी 11 के ऊपर जो भगवान ने उरे नुहा के लेके जाता यो सारो कर्म पंडित जी जब देखियो जब उरे का शिवाला रूण का दर्शन करया जब पंडित जी है को नाम शिवनगरी के रूप में और छोटी काशी के रूप में वह अन्न सदा चिड़ावो कौन कहया करता एन शिवनगरी कहया करता कि या तो शिवनगरी है और पंडित जी के कारण ही या शिवनगरी विख्यात हुई और चारों तरफ प्रसिद्धि प्राप्त करी जी। पंडित जी उरा आया आने के बाद में जो आपा यो दाई साइड का बाई साइड का मायने जो हिस्सो है ऐ उरे यो पक्को घाट कौन थो ऐ उरे केवल एक जोड़ थो यो 118 साल पहले बनेडो है। अच्छा। और ऐ के बनाने के पीछे है एक इतिहास है वो यो है कि पंडित गणेश नारायण जी उरे तपस्या करया करता और यो जो स्थान टिल्ले को है ऐ स्थान के ऊपर एक कच्ची गुफा थी। वो गुफा के मायने पंडित जी तपस्या करया करता उरे पानी की जल की जो व्यवस्था थी उनके अनुरूप ही उरे रिया करता। पंडित जी का जो एक भक्त था जुगल किशोर जी बिड़ला हाँ। वह अक्सर पंडित जी के कहना आया करता जिनको नजदीक ही गांव बिगोदनो है। बिगोदने का वह मूल रूप से महेश्वरी बाणिया बिड़ला जी ने जो आशीर्वाद दियो कि भाई जुगल किशोर तू उरे से चल जा बहुत दुख पावे है और आज को मुहूर्त बहुत अच्छो है और तू जाके और विदेश के मायने जाके कमाने को काम कर कमाने को काम करे। तो बिड़ला जी जुगल किशोर जी पंडित जी के आदेश के ऊपर चला गया लेकिन वह उनने रास्ते के माइनस काले सरप के ऊपर सोन चिड़ी बैठी दिखी तो वह सोचा कि वो अब शगुन हो गो तो वह वापिस आया पंडित जी ने ढूंढता हुआ। जब पंडित जी ने बिड़ला जी ने पंडित जी बोला जुगल किशोर तू बहुत बड़ो काम गलत करो। वह बोलिया करता जुगलियो बोलिया करता उनने कि जुगलिया तू बहुत गलत काम करो तू
बहुत बढ़िया मुहूर्त छोड़ के आगो, अब भी तेरे के समय है, तू चलो जा। अगर तू पहले मुहूर्त में चल जाए तो पूरे विश्व में तू चक्रवर्ती सम्राट की तरह तेरो नाम कमातो और बहुत धन संपदा कमातो, लेकिन अब भी समय तू चले जा। पंडित जी को आदेश मान के वह गया, जाके कलकत्ता के मायने जाके आपको व्यापार करो, ढाका के मायने मलमल को और एको काम करो, वह खूब पैसा कमाया, आज वह वापिस चिड़ावाया। चिड़ावा आने के बाद में पंडित जी ने वह आपकी पिलाणी के मायने आपको स्थान बनायो बिड़ला जी और मकान बनाया, तो आपकी पुरानी एक हवेली थी, वो हवेली ने के मायने आप वर्तमान में पुरानी हवेली बोल रहे उन्हें, लेकिन वह उन टाइम पे वो हवेली को निर्माण करके पंडित जी ने वो हवेली में ले जानो चाहवा कि ते पंडित जी चलो तारा आशीर्वाद से मैं आज सब कुछ बने हूँ, तो ते बड़े चाल के प्रवास करो बड़े रहो। लेकिन पंडित जी ने वह एक नीला रंग की बैलगाड़ी तैयार करके बैल का रंग भी नीलो कलर करो, कलर करने के नीलो कलर करने के पीछे यो कारण थो कि पंडित जी ने नीलो कलर विशेष पसंद हो, बहुत ज्यादा पसंद हो। हाँ जी, वह क्या करता कि पूरो जो ब्रह्मांड है यो नीलो है, नीलो क्योंकि है। आकाश नीलो है, तो अगर आप नीले कलर की कलर कदर करांगा तो आपनो भी आकाश रूपी जो भगवान है यो आपकी कदर करे। ये करीब 123-124 साल पहले की बात है, उन टाइम के ऊपर पंडित जी ने 123 साल पहले पिलाणी ले जाने लग गया, लेकिन पंडित जी उरा जब उनकी बैलगाड़ी पूछी जो उनको समाधि स्थल है उनके कन्ने जो शिवालो हो शिवालय से लेकर आया था उनने। अच्छा। और गोगो जी की बणी के नाम से वह जगह प्रसिद्ध है जी। बड़े भूतनाथ है, शमशान भूमि है, उनमें शिवालो बनेड़ो है बहुत पुरानो, उन शिवालय के मायने से पंडित जी ने बैठा के लेकर आया रथ के मायने बैलगाड़ी के मायने, तो पंडित जी उरा उतर गया और उत्तर के बोला बोला जुगलिया या शिवनगरी छे, ऐ शिवनगरी ने कौन छोड़ के जाऊं मैं, तू मन ने मेरी शिवनगरी से अलग मत करे, तू जा और तेरो खूब कर। तो बोले पंडित जी महाराज मन ने यहाँ को कोई काम बताओ या मेरी जो पिलाणी है जो मैं बसा रहे हूँ बात एक देखोगा। बोले तू उरे ही यहाँ को निर्माण कर दे, मैं उरे से ही तेरी पिलाणी ने देख लूँ। तो जद यो निर्माण होड़ो है ए घाट को और एने बनया 118 साल होगी, के बनने के करीब 11 साल बाद में पंडित जी स्वर्गवासी होया, देवलोक गबन करो पंडित जी, जी। तो 11 साल तक ए जगह पंडित जी को विचरण रहेड़ो है। एके मायने ऊपर जो ये छेद बन रहे हैं एके मायने से पिलाणी पंडित जी देखा करता, उरे से पंडित जी पिलाणी ने देख के नहीं बोला भाई जुगल किशोर तेरी या पिलाणी है या शिक्षा नगरी के रूप में विख्यात होगी पूरे विश्व में। और आज पूरे विश्व के मायने बिट्स जो है विख्यात है बिल्कुल और प्रसिद्धि प्राप्त कर रखी है, और बाहर से आके खूब छात्र है ना करीब 10,000 के करीब स्टूडेंट उरे और शिक्षा प्राप्त करे, तपस्या वगैरह थी, तपस्या जो भी पंडित जी करता उरे करता, और उनके बाद में जो गुगो जी की बनी है और जो शमशान घाट है उनके मायने भी बड़े जाता बड़े भी विचरण करता, लेकिन मूल रूप से तपस्या है बाउरी करता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इली साइड में दिखाओ यो जो टिल्लो है, यो टिल्लो संतों का टिल्ले के रूप में प्रसिद्ध है, और ए टिल्ले के अंदर एक गुफा है कच्ची आज भी जो वह पंडित जी से की टेम की है, पंडित जी उरी तपस्याओं गुफा के महीने कराया करता, नवरात्रा जो करता दुर्गा माई की मैं ए गुफा के महीने करता। ए जगह की देखभाल नहीं होने के कारण यो वीरान सो गो उजड़ सो गो, यो जोड़ को पक्को निर्माण कार्य शुरू करो है, ए के मायने यो 35 फुट गहरो है, 125x25 को है, एम महिला का स्नान करने की अलग व्यवस्था रहेगी, जेंट्स की अलग रहेगी, सब प्रकार से जैसे कि कोई भी कहकी भी एकांत जो है वो कहको व्यक्तिगत जीवन है वो कहके सामने नहीं जा, और एक चारूमेर पंडित जी की जीवनी के ऊपर आधारित म्यूजियम को निर्माण होना है, एक घाट को रिपेयरिंग होना है, और सेकंड चरण के मायने है जिको एक चारूमेर चार दीवारी और बच्चा के घूमने के लिए और दौड़ने के लिए ट्रैक साइकिल ट्रैक, और दक्षिण और पश्चिम कोने के मायने एक 100x51 फीट ऊंचो पहाड़ बनो है, ऊ पहाड़ के ऊपर भगवान शंकर की प्रतिमा और ऊ प्रतिमा के अंदर उनकी जटा में से जल धारा निकल के एक झरने के रूप में पानी नहर के मायने प्रभावित होगो जो चारों मेर चालतो रहेगो, जोड़ के मायने जो बारिश को पानी है वो मटमेलो या गंदो जागो तो ऊ पानी ने पंप के द्वारा निकाल के उरे जो पेड़ पौधा और जो पार्क बनेगो वो पार्क के मायने पानी सारू लागेगो। आने वालों जो टाइम है करीब 2 साल के अंदर मारो लक्ष्य है कि 2 साल के अंदर मेरे सारे उरे योग स्थल जो है ओपन जिम ट्रेक नहर पार्क
और पूरे लाइटिंग की ए प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं कि जैसे कि प्रेम मंदिर और अक्षरधाम मंदिर ये सब देखने का खातर, लाइटिंग का खातर जा, म्यूजिकल फुहारे खातर जा, बस सारी की सारी व्यवस्था उरे मिले और ए गांव नहीं चिड़ावा नगर यानी शिवनगरी नहीं, ए शिवनगरी का आसपास बसने हाला जितना भी लोग हैं उनने एक पर्यावरण युक्त एक स्थान मिले। तो जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं बहुत रिक्वेस्ट है कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो अपनी शिव नगरी सिर्फ नाम एक दियड़ो हो लेकिन बिकले कदे काम को नहीं हो। आज जो 100 साल निकल गई कंडीशन था दिखाना चाहूँगा अभी जो शिव नगरी के करने जो देखा कि ये जो अतो कचरो ही फिलहाल अठे है लेकिन अगर आने वाला टाइम में आप उम्मीद या देखा उम्मीद करी जा है कि अठे जो साफ सफाई वगैरह हुआ और जो एक पवित्र स्थल हो इन फिर सु है जो एक नयो रूप दियो जा सके। जो देखा आप कि लेंस वगैरह जो लगाया गया है जुगल किशोर जी के द्वारा कि गणेश नारायण जी हैं उनका अनुरोध पर कि अगर जो पिलानी नगर बैठे हो देखना चाहो तो बिकले लगाया गया लेंस लेकिन फिलहाल तो लेंस वगैरह को नहीं लेकिन दर्शकान जो आप दिखावा कि अगर देखना चाहो तो काफी दूर तक है कि अपन एक मान देख सका है क्योंकि काफी हाइट दे के जो अठे निर्माण करे गए हो और एक मान चारों ओर यह व्यवस्था करी गई है कि अगर मैं अठाऊ जो देख के देखना चाहूँ तो चिड़ाओ भी है चिड़ावान भी आराम उठाऊ जो देख सके हैं क्योंकि चिड़ावा शहर भी है कि बिकले भी जो व्यवस्था करी गई कि तीनों चारों साइड में ये लगाया गया अठे लेंस वगैरह के द्वारा लगाया गया है तो अठाऊ आरामो आप एक मान ऊपर जो खड़ा होके है कि चारों ओर की जो एरियो है बिन आरामो देख सका है। तो ये जो देखा पंडित गणेश नारायण जी है जो अठे आके जो ये टिल्लो है एक अपर अभी आप पहुंचे हाँ और ये एक गुफा है जो अभी दर्शकान आप दिखाना चाहूंगा ये गुफा के अंदर रह के तो गुफा के अंदर भी कताक दिन या फिर की नवरात्रा 9 दिन तक पंडित जी अंदर ही रहता बाहर नहीं निकलता और अंदर रह के ही उरे आपकी पूजा पाठ करता नवरात्रा करता देवी की उपासना के अंदर ही करता। पंडित जी के बाद में जितना भी उरे संत हैं जो यहाँ बंगाली बाबा उरे तपस्या करी बद्रीनाथ जी उरे तपस्या करी हैं मंगलनाथ जी उरे तपस्या करी जो जो उरे संत तपस्या करके आपको शरीर त्याग्यो और समाधियाँ ली उनकी सबकी समाधियाँ है जी। यो संता का टिल्ले के रूप में भी यह जगह प्रसिद्ध है। कई लोग मनक हैं कि तू बावड़ो है पागल है कि ऐ प्रकार की ये जो काम करे लागे हो तू ये सारा तेरा जो कमाने की उम्र है ऐ के मायने तू बुढ़ापो धारण कर लियो और ये सारा काम करे है तो तू ये पागल पड़े का काम क्यों करे। जब मैं उन सब ने यही कहूँ कि मेरो जन्म ही पागल पड़े के हिसाब में होड़ो है। मेरो जन्म 1975 के मायने 31 दिसंबर ने हो खेत के मायने हो और बड़े मेरी माँ खेत गायों का खातर बरोटी लेन गई थी तो बठे ही मेरो जन्म होयो है तो 12:15 बजे 31 दिसंबर 1975 ने मेरो जन्म हो जो मेरी माँ मन्ने भी लाई घरा और बरोटी भी लाई न तो मन्ने छोड़ सके गरका के रोड़ा के बजाय और न खेत के गाय की बरोटी छोड़ सके तो मेरो तो जन्म भगवान ए प्रकार की स्थिति के मायने प्रकृति के मायने मेरो जन्म करो तो मन्ने तो ए विशेष ए पागलपणे से विशेष प्रेम है कि मेरो जय तरीके से जन्म हो उसी प्रकार से मेरो ये सारा काम प्रगति प्रेमी से और ए नगर ने शिव नगरी के रूप में करण को एक पागलपणो मेरे एक जो अठे धुणो भी है जो मतलब पंडित वगैरह जो अपना हुए हवन टाइप में जो करो जाए तो हवन करने के लिए भी एक स्पेशल कुटिया वगैरह बाकी है। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हर एक व्यक्ति तक पहुंचे और हर एक व्यक्ति है आपको एक मान सहयोग दे सके। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार है जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बने रहो। जय झुंझुनू जय राजस्थान जय हिंद।